हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आज मैं शेयर करने वाला हूँ मोटो H40 स्मार्टफोन के बारे में, जो एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और ये एक प्रीमियम मिडरेंज स्मार्टफोन है। उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटो H40 स्मार्टफोन के बारे में। तो इसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी 2G से 5G तक आपको मिल जाएगा, और ये लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ था 4 मई को, और ये 4 मई को ही लॉन्च हो चुका था। ठीक है, हो चुका है मतलब। फिर इसका डायमेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो देख लीजिए, 158.4 × 72 × 7.6 mm, और ये इंच में दिया हुआ है। इसका जो वेट है वो है 167 ग्राम और 171 ग्राम, ठीक है, और ये आउंस में दिया हुआ है। इसका बिल देखिए, इसका ग्लास फ्रंट है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, प्लास्टिक बैक है और इको लेदर बैक है। ठीक है, इसमें सिम आपको सिंगल सिम मिल जाएगा नैनो सिम के साथ में, या फिर डुअल सिम भी आपको यहाँ मिल जाएगा नैनो सिम के साथ में। ई सिम भी सपोर्टेड है, या फिर डुअल सिम आपको मिल जाएगा नैनो सिम के साथ में और डुअल स्टैंड बाय के साथ में। ठीक है, इसमें IP68 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट आपको दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंट अप टू 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट, मतलब इस फोन को आप बचा सकते हैं पानी में, और ये 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक बचा रह सकता है, उसके बाद ही ये खराब होगा। ठीक है, इसमें अभी डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका डिस्प्ले जो टाइप है वो है POLED डिस्प्ले। ठीक है, ये 144Hz डिस्प्ले है, ये HDR10+ certified है, और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1200 nits। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.55 इंचेस, और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो है 90.8%। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो है 1080 × 2400 pixels। ये 20:9 aspect ratio के साथ में आता है, और इसका जो पिक्सल पॉइंट डेंसिटी है वो है 402। अभी प्लेटफॉर्म OS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एंड्रॉइड 13 में चलता है। इसमें जो चिपसेट मतलब प्रोसेसर जो है यहाँ में आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 5G प्रोसेसर, जो 6 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका जो CPU है वो है ऑक्टाकोर, और जो GPU है वो है Mali G77 MC9। इसमें आपको मेमोरी का स्लॉट नहीं मिलेगा, इसमें एक सिंगल वेरियंट ही है जो है 8GB RAM 256GB storage, और इसका जो स्टोरेज वर्जन है वो है UFS 3.1 बेस्ड। ठीक है, अभी थोड़ा सा कैमरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का f1.4 एपर्चर के साथ में आता है। ठीक है, ये वाइड एंगल का काम कर देता है। जो सेकंड कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ में आता है, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल का काम कर देता है। अभी यहाँ में फीचर्स आपको क्या क्या मिलेगा कैमरा में देखिए। यहाँ में आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा, HDR मिल जाएगा और पेनारोमा मिल जाएगा। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30fps में, 1080p 30, 60, या फिर 120fps में, 720, 960fps में, और ये HDR10 तो आपको मिलेगा ही, और जायरो ES भी है यहाँ में। सेल्फी कैमरा के बारे में देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो f2.4 एपर्चर के साथ में आता है, ये वाइड एंगल का काम कर देता है। इसमें आपको फीचर्स मिलेगा HDR, और वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30fps, 1080p 30, या फिर 120fps। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस PDF का गूगल ड्राइव लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां में जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से देख सकते हैं। और आप और मेरे मोटो H40 का ऑफिशियल लिंक, मोटोरोला का और फ्लिपकार्ट का लिंक जहां से आप इसे खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस फोन के बारे में, और खरीद भी सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए और इस फोन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो इस फोन को खरीद लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउंड देखिए, हमें लाउड स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा स्टेरियो स्पीकर्स के साथ में, यहाँ में 3.5 mm जगह आपको नहीं मिलेगा। अभी कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ में WLAN देखिए, वाईफाई का वर्जन आपको 802.11 वर्जन मिल जाएगा Wi-Fi 6 के साथ में। ठीक है, यह ट्राइबैंड वाईफाई है। ठीक है, वाईफाई डायरेक्ट के साथ में। यहाँ में ब्लूटूथ का वर्जन 5.2 आपको मिल जाएगा। पोजिशनिंग आपको GPS मिल जाएगा। ठीक है, NFC आपको यहाँ मिल जाएगा, रेडियो आपको यहाँ में नहीं मिलेगा, और जो USB है वो है USB Type-C 2.0। ठीक है, अभी फीचर्स देखिए, सेंसर्स आपको यहाँ में क्या क्या मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर, अंडर डिस्प्ले
और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएगा, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास सेंसर। ठीक है, यहाँ में आपको मोटो रेडी फोर सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। बैटरी देखिए, यहाँ में आपको लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी मिल जाएगा, 4400 एमएएच का बैटरी मिल जाएगा जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है। यहाँ में चार्जिंग आपको 68 वाट वायर चार्जर आपको मिल जाएगा बॉक्स में ही, और ये 15 वाट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है मोटो जी फोर मोटो एच 40। ठीक है, हमें कलर सबको क्या क्या मिलेगा देखिए, नेबुला ग्रीन मिल जाएगा, लूनर ब्लू मिल जाएगा, एक्लिप्स ब्लैक मिल जाएगा और वाइवा मेजेंटा आपको मिल जाएगा। मॉडल तो एक ही है, एक ही वेरिएंट मैंने बोल दिया है पहले ही कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज, तो इसका मॉडल नंबर यह है XT2303-2। हमें परफॉर्मेंस दिया है जो अच्छा ही है, Antutu का स्कोर दिया है, Geekbench का स्कोर, GFX बेंच का स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डिस्प्ले को कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज टू इन्फिनिट नॉमिनल ही मिलेगा जो बहुत अच्छा ही है। कैमरा से आप फोटो या फिर वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम ही है। लाउड स्पीकर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, 24.-24.2 LUFS है हमें, और बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा एंड्यूरेंस रेटिंग 90 आवर्स, मतलब एक बार चार्ज करने से आपको 90 आवर्स चलना चाहिए अगर आप मिनिमल यूजेस करते हैं तो फोन। फाइनली मैं प्राइस बताने जा रहा हूँ जो इंडिया में प्राइस है इसका, इसका तो एक ही वेरिएंट है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज, इसका प्राइस है 29,999 रुपीज। और फाइनली मैं कुछ इमेजेस कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि मोटो एस 40 देखने में कैसे लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।